राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है, निर्जला एकादशी का व्रत, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, निर्जला, जिसमें बिना जल के पूरे दिन पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता है। निर्जला का दूसरा अर्थ भी ये होता है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी की ऊंचाइयों को देखते हुए जलना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए कि हम भी उसके ऊपर, उसके लेवल पे पहुंच जाए। तो दो तरीके से निर्जल होता है, एक तो बिना जल के, एक अंदरूनी जो जलन है उसको भी समाप्त करके। तो निर्जला एकादशी पर आप लोगों के द्वारा पूछा गया, बड़े सारे लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मुझसे ये प्रश्न पूछा कि दीदी, निर्जला एकादशी पे कुल्ला करने पर क्या व्रत टूट जाता है? कुल्ला को अगर हम ज्योतिषी लैंग्वेज में देखें या फिर शास्त्रीय लैंग्वेज में देखें, जो कुल्ला हम करते हैं, जिसको कहते हैं आचमन करना, ठीक है ना। पहले मैं आपको, अगर मैं बीच में आचमन का शब्द यूज करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कुल्ला का शब्द यूज कर रही हूँ। तो आप में से बड़े सारे लोगों ने पूछा है कि निर्जला एकादशी पर अगर हम कुल्ला कर लेते हैं तो क्या हमारा व्रत खंडित हो जाता है, तो क्या हमारा व्रत टूट जाता है, तो शास्त्र क्या कहते हैं, मैं उसके बारे में आज आप लोगों से चर्चा करने वाली हूं। देखिए, चाहे निर्जला एकादशी हो या फिर कोई भी एकादशी हो, उसमें याचमन करना अर्थात कुल्ला करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शारीरिक शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तभी मैं बोलती हूँ कि एकादशी पर मोशन जरूर जाना चाहिए, अर्थात वॉशरूम जरूर जाना चाहिए और लैट्रिन जरूर और जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक तीन तरीके से व्रत रखा जाता है। अगर हम फिजिकली अनफिट हैं तो व्रत रखने में असमर्थ होगा, अर्थात शारीरिक शुद्धि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें मोशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से कुल्ला अर्थात याचमन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक मुख की शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारी शारीरिक शुद्धि की संपूर्णता नहीं मानी जाएगी। तो शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आप निर्जला एकादशी पर कुल्ला याचमन अवश्य कर सकते हो, लेकिन आपको अंजलि, अर्थात इसको अंजलि बोलते हैं, जब ये मुद्रा बनाते हैं, मुद्रा बनाते हैं तो इसको अंजलि बोलते हैं, अर्थात आपको बस अंजलि में इतना ही जल लेना है जितना से आपका कुल्ला हो जाए। अगर आपने उदर अर्थात पेट की शांति के लिए कुल्ला करा और अंदर जल चला गया, पेट की शांति के लिए जल पी रहे हो, तो जल आपका व्रत जो आपका है वो केवल एक एकादशी का व्रत माना जाएगा। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें 24 एकादशी के व्रत का फलताप मिलता है, लेकिन अगर हम पानी ग्रहण कर लेते हैं तो हमें एक एकादशी का फल तो मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर हमें संकल्प ले रखा है कि हम निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो हमारा ये परम दायित्व है कि हम उसका संपूर्ण तरीके से पालन करें। तो हमें कुल्ला करने से किसी भी प्रकार का कोई व्रत नहीं टूटता है। हाँ, आप जो पेस्ट वगैरह आते हैं किसी भी एकादशी पर, निर्जला एकादशी तो बहुत बड़ी एकादशी है, किसी भी एकादशी पर आपको वो पेस्ट का उपयोग नहीं करना होता है, केवल 12 बार मुख की शुद्धि करनी होती है, अर्थात अपनी अंजलि में आपको इतना ही जल लेना है जितना आपकी अंजलि में आ जाए, मुख में डालिए ऐसे करके और फिर आप थ्रू आउट अर्थात थूक दीजिए, ऐसे करके 12 बार करना होता है, तब आपके संपूर्ण मुख की शुद्धि मानी जाती है। और तो और, अगर आपका मुंह बार बार सूख रहा है, बार बार ड्राई हो रहा है, लिप्स बार बार ड्राई हो रहे हैं, मुंह बार बार ड्राई हो रहा है, तब भी आप याचमन कर सकते हो, इससे भी व्रत खंडित नहीं माना जाता है। कहते हैं कि जब भी हमें बहुत जोर की प्यास लगे तो क्या करें, जब भी हमें बहुत जोर की प्यास लगे तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी, तो आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, आप भागवत का, भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों का पाठ करने से पहले हमें याचमन करना जरूरी होता है, अर्थात कुल्ला करना जरूरी होता है। तो हम अपने मुख में पानी डाल के कुल्ला कर सकते हैं और वो पानी बाहर निकाल सकते हैं, अर्थात वो पानी हमारे कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए, केवल गले तक, मुंह तक ही वो पानी रहना चाहिए, कंठ में उतरना भी नहीं चाहिए वो पानी। तो शास्त्र यही कहते हैं कि कुल्ला करने से, याचमन करने से हमारा व्रत इत्यादि नहीं टूटता है। हमारे को व्रत में शारीरिक शुद्धि बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। व्रत में प्यास ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं कंप्लीटली वीडियो बना चुकी हूँ। लड्डू गोपाल की व्रत में सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना कैसे करें, इसके लिए भी डिटेल में वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है। गर्भवती महिलाएं एकादशी का व्रत कैसे करें, इसके ऊपर भी डिटेल
की वीडियो YouTube चैनल पे आ चुकी है। एकादशी पर किस प्रकार का दान करना चाहिए ये वीडियो जल्दी आपके YouTube चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी और निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी संपूर्ण पूजा विधि भी YouTube चैनल पे आ चुकी है, आप जाके जरूर और जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बॉल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे।